हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये देखिए, आज मैंने कितना ही खूबसूरत सा ये डोरमैट बनाया है। इसे आज मैंने वेस्ट पड़े हुए नाइटी से और वेस्ट पड़े हुए लोअर से बनाया है, क्योंकि इसमें मैंने दो कलर लगाए हैं। तो ये नाइटी का कपड़ा है और ये लोअर का कपड़ा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं देर न करते हुए। और ये देखिए, देखने में कितना ही सुंदर है, काफ़ी मजबूत बना है, काफ़ी थिक है ये। तो आज हम इस तरह के लोअर और नाइटी, जो हम रात को नाइटी डालते हैं, उनमें से आज हम डोरमेट बनाएंगे। इनको बनाना बहुत आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये अपना लोअर लिया है। इनका जो कपड़ा है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, हमें इस तरह का कपड़ा लेना है। आप कोई भी कपड़े में से इसे बना सकते हैं। ये देखिए, ये कपड़ा है और थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, इस तरह का हमें ये कपड़ा लेना है। इससे जो डोरमैट है वो काफ़ी सुंदर बनता है और काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी यूजबल होता है। इसे आप वॉशेबल, इसे आप हैंड वॉश या मशीन वॉश, किसी से भी आप इसे वॉश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो नीचे लेग है, उसका जो हार्ड पोर्शन है नीचे का, उसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप कट कर लिए हैं, इसी तरह से हम इसमें से कट कर लेंगे। तो अब हम इसे ओवल शेप में बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से, और इसमें हम एक लूप जैसा बना लेंगे, इस तरह से। मैंने यहाँ पर लूप बना लिया, उसके अंदर से हम अपने फिंगर्स और थम्स को निकालेंगे और इसे हम इस तरह से खींच लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। अगर आपको ये स्ट्रैप थोड़ी मोटी लग रही है तो आप इसे थोड़ा सा पतला भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे बनाना है। अब हमें इसमें दूसरी स्टेप को जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दूसरी वाली स्टेप लेंगे और यहाँ पर हम इसमें एक होल करेंगे, इसी तरह से एक होल हम इसमें करेंगे थोड़ा सा कट लगाकर। अब हम इस होल के अंदर से इसे निकालेंगे और इसके अंदर से हम इसे निकाल देंगे, इस तरह से, और इसे हम खींच देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर जॉइंट हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने इसे इतना बना लिया है, जितना भी बड़ा मुझे इसे बनाना था। तो अब हम लेंगे सेफ्टी पिन, तो जो हमारा ये लूप है इसके अंदर से पहले हम इसे निकाल लेंगे, इस तरह से। तो इतनी हमें इसे बनाना है, इतना लंबा, जितना भी आपको रखना है उतना, उस हिसाब से। तो अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इसमें जो हमने ये लूप बनाए हुए हैं, यानी कि जो साइड से इस तरह से ये हैं, इनमें से हमें इसे बनाना है। तो एक में से हम पहले एक एक ही निकालेंगे। तो ये देखिए, इसे हमें किस तरह से रखना है, इस तरीके से स्टेप को रखना है
और इसके अंदर से हमें इस तरह से इसे निकालना है। तो ये देखिए, ये हमारे इस तरह से बनता आएगा। पीछे की साइड है ये और ये हमारा फ्रंट है इस तरह से। तो अब हम इसमें से जो हमारा लास्ट वाला है इसके अंदर से हम डबल बार इसे निकालेंगे। तो एक बार हमने पहले निकाल लिया है, एक बार और निकालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ से हमने डबल बार इसे निकाला है। सबसे एंड वाला जो है उसमें से हमने डबल बार निकाला है इसे यहाँ पर। डबल बार निकाल लिया। अब हम इस सभी में से सिंगल सिंगल लेंगे। अब हम किसी में से भी डबल बार नहीं निकालेंगे, सिर्फ जो यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट था, यानी कि यहाँ पर हमारा राउंड में था, इस टाइप का एंड था, यहाँ पर हमने डबल लिया है और डबल ही हमें यहाँ पर लेना है। जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो इस वाले जो एंड वाला है, यानी कि ये वाला, इसमें भी हमें डबल लेना है। उसी तरह से हम पूरा बना कर लाएंगे, फिर यहाँ पर हमारे दो हो जाएंगे, उसमें से उन दोनों में से भी हमें डबल डबल बार निकालना है। तो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। अब मैंने इसमें से एक निकाल लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसके अंदर से एक और निकालेंगे, एक बार और निकालेंगे इस तरह से। अब हम दो हो गए, तो अब हम इसके अंदर से निकालेंगे एक बार, जिससे अच्छे से फिनिशिंग में आए। अब हम इसी के अंदर से एक बार और निकालेंगे इधर की साइड में करते हुए। तो ये लीजिए, मैंने इसमें से एक बार और निकाल लिया है। अब हम इसे पूरा सिंपल इसी तरह से बना लेंगे और इसी तरह से हम यहाँ पर इस वाला जो लूप है इसमें से हम दो बार निकालेंगे, इसी तरह से हम इस वाले लूप में से दो बार निकालेंगे। इसी तरह से हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो इसे मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा बनने के बाद ये आपको क्लियर दिखेगा कि हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह से नहीं बनाना है। सिर्फ हमें इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एंड वाले हैं इसमें, जैसे हमने यहाँ पर, अब हमारे दो फंदे हो गए तो इसमें से हमें दो दो निकालने हैं। अब हमारे यहाँ पर चार हो गए हैं तो इन चारों में से हमें दो दो बार निकालना है। इसी तरह का हमें इसमें ध्यान रखना है। तो ये देखिए, मैंने इसे थोड़ा सा बना लिया है और ये देखिए, ये देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है। इसमें मैंने दूसरा कलर भी लगा लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर मैंने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा स्ट्रेट है, एक जैसा है, और यहाँ से और यहाँ तक इसमें गोलाई है। तो इनमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी हमारे जो फंदे होंगे, जितना भी बड़ा ये बनता जाएगा, उनमें हमें, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन है वहाँ उसे छोड़कर, और जो हमारी गोलाई है, यानी कि इस तरह से राउंड है, वहाँ से हमें इसमें दो दो फंदे लेने हैं। एक नॉट में से, यानी एक एक लूप है ये, इसमें से हमें दो बार नॉट करना है इसे। फिर से ये आ गया, फिर से इसमें से हमें दो बार नॉट करना है, इसमें से इसी तरह से ये हमारा गोलाई में बनता जाएगा और पूरा डोरमेट हमें इसी तरीके से ये बनाकर तैयार करना है। तो अब मैं इसे यहाँ पर बना लेती हूँ। जहाँ तक इसमें गोलाई थी उसे मैंने इतना बना लिया है।
अब मैं पूरा इसे स्ट्रेट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसमें कहाँ से और कहाँ तक इसको गोलाई में रखा हुआ है। तो ये देखिए, अब मैंने इसे इस लूप तक बना लिया है। अब ये हमारा स्ट्रेट था, यहाँ तक मैंने इसे एक एक नॉट लगाकर ही बनाया है। एक एक नॉट में से, यानी कि जो एक एक फंदे थे उनमें से एक एक फंदा और बना लिया है। तो अब हम इसमें से, यहाँ से इसमें गोलाई है तो इसमें हम एक में से टू बार निकालेंगे, टू टाइम्स निकाल लेंगे एक में से, जिससे जो हमारी गोलाई है वो बनती जाएगी। तो इसमें से मैंने दो बार निकाल लिया। अब हम फिर से दूसरा लेंगे, उसमें से भी हम दो बार निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इसमें से भी मैंने दो बार निकाल लिया। इसी तरह से अब हम जितने भी फंदे हैं इनमें से सभी में से हमें दो दो बार निकालना है। तो यहाँ तक इसमें गोलाई थी। अब हमारी जो स्ट्रेट लाइन आ गई है, इसे हमें एक एक बार ही निकालना है इसमें से। तो इसी तरह से हमें इस साइड में भी करना है, यानी कि यहाँ से लेना है, यहाँ से इसमें गोलाई है ये देखिए, और पूरा स्ट्रेट है। तो यहाँ से और जितने भी ये फंदे हैं उसमें हमें सेम मेथड से बनाना है, यानी कि दो दो फंदों एक में से दो दो बार नॉट करना है। इसी तरह से अब ये थोड़ा यहाँ पर बढ़ गया है, तो अब हम यहाँ से इसमें करना शुरू करेंगे। तो इसी तरह से हमें इसमें करना है। तो मैं इसी तरह से इसे बना लेती हूँ, और ये देखिए देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है, और काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी थिक है। तो इसी तरह से मैं इसे पूरा बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है, और ये देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी थिक बना है ये देखिए। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे, तो ब्लू कलर लगाएंगे। आप चाहे तो इसे इसी तरह से रेड से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें दूसरा कलर लगा लेंगे, जो हमने बीच में लगाया हुआ है उसी कलर को हम लगाएंगे। तो इसमें स्टेप को जोड़ लिया है। तो अब हम सेम मेथड से इसे पूरा बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम तरीके से बनाना है, यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं, और वाका पूरे का पूरा ऐसे ही बनाना है। तो एक में से दो दो बार निकालना है, और जहाँ पर हमें लगेगा कि हम यहाँ पर एक से ही हमारे अच्छे से फिनिशिंग आ रही है, तो हम एक ही निकालेंगे। तो ये देखिए, इस डोरमेट को बनाना कितना आसान है, और बहुत ही जल्दी जल्दी ये डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है, और काफ़ी मजबूत बनता है, थिक बनता है। इसे आप वॉशिंग मशीन में भी वॉश कर सकते हैं, हाथों से भी वॉश कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी इसमें ब्लू वाली जो स्ट्रैप है वो जुड़ती जा रही है। तो ये देखिए, यहाँ से इसमें ब्लू स्ट्रैप जुड़ती जा रही है। तो यहाँ पर मैं ब्लू की टू लेयर्स लगा लूँगी, जितना भी मुझे बनाना होगा उतना मैं बना लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ तक बना लिया है। तो जिस तरह से हमने पूरा डोरमैट बनाया है उसी तरह से हमें और भी इसे बड़ा बनाना है। अब आप इसमें और भी कलर लगा सकते हैं, या फिर आप ब्लू कलर से ही इसे और भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी मजबूत बना है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसे रंग बिरंगा बना सकते हैं आप इसमें और भी ज़्यादा कलर लगाकर। तो अब हम इसे इसका एंड करेंगे, यानी कि इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से पीछे की साइड में हम स्ट्रैप को करते हुए और सुई और धागा लेकर हम इसे सिल लेंगे।
तो इस तरह से सुई और धागा लेंगे, उससे हम इसे सिल लेंगे जिससे ये खुले ना। तो ये देखिए मैंने इसे सिल लिया है और ये डोरमैट हमारा बनकर तैयार है। काफ़ी मजबूत है, इसे आप हाथों से मशीन में किसी से भी आप इसे वॉश कर सकते हैं, उससे जो पैर हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो नॉट्स ही लगी हुई हैं इनसे हमारे पैर अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और ये पीछे की साइड से इस तरह से दिख रहा है, ये देखिए, और आगे से ये इस तरह से है। दोनों साइड से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसमें काफ़ी सारे कलरों का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।